लेकिन अगर किसी वेरिएबल को हम शो नहीं करवाना चाहते, जस्ट उसकी वैल्यू को हम यूज करना चाहते हैं, तो उसके उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लास्ट पे हम सेमी कॉलन यूज कर लेते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वेरिएबल स्टोर हो जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो शो नहीं होगी। ठीक है, वर्कस्पेस में देखिए आपके पास एक्स इक्वल्स टू 7 जो है वो शो हो रहा है। ओके ओके जी, उसके बाद हमने क्या बात की थी कि ये यहाँ पे एक नई चीज हम करेंगे। ये देखिए एक्स इक्वल्स टू 7 हमारे पास स्टोर हो गया। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास वाई इक्वल्स टू 3 है, ये भी मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो मैंने चेंज कर ली। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, लिख दूंगी क्लियर एक्स। ठीक है, मतलब उस वेरिएबल का नाम मैं लिख दूंगी। तो ये मैंने जब एंटर कर दिया तो देखिए एक्स यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं क्लियर ऑल करती हूँ तो सारे वेरिएबल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं सारे वेरिएबल्स को खत्म नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ एक वेरिएबल को खत्म करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं कर दूंगी क्लियर दैट वेरिएबल, दैट इज एक्स। ओके, अब मैं एक्स की कोई नई वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। एक्स इक्वल टू 3 मैंने किया, चले 4 कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि जिसमें एक्स इन्वॉल्व है। सपोज करेंगे दैट वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, इसे मैंने एंटर किया तो ये देखिए एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ये इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया कि एक्स की जगह पे 4 यूज किया और फिर हमें ये आंसर भी दिया। ठीक है, इसी तरह से हम वाई को भी यूज कर सकते हैं। सपोज के जी एक्स प्लस वाई अगर हम कर लेते हैं, सिंपल एक्सप्रेशन लिया तो ये देखिए सेम बना दिया। एक्स की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, 4 ली हुई है, और वाई की हमने 3 ली हुई है, और 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इसे क्लियर कर देते हैं। आप जब हम अगेन इस पर करते हैं, पहले मैं सारे वेरिएबल्स को क्लियर कर देती हूँ, क्लियर ऑल करते हैं। ठीक है, ये देखिए वर्कस्पेस में से सारे वेरिएबल्स क्लियर हो चुकी है। अब मैंने एक नया वेरिएबल जो है एक्स लिया है, एक्स इक्वल टू 5 मैंने किया। ठीक है, और फिर मैंने एक एक्सप्रेशन सॉल्व किया, दैट इज एक्स क्यूब नहीं एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। ओके, इसे जब मैंने किया तो 17 आंसर आता है। लेकिन अब मैं एक्स की वैल्यू चेंज करके यही एक्सप्रेशन की इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं तो 17 आंसर आता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट वेरिएबल्स अगर हमने यूज किए हुए, सपोज दैट एक्स इक्वल टू 4 है मेरे पास, ठीक है, एक वेरिएबल है मेरे पास वाई इक्वल टू 7 है, एंड जी इक्वल टू 6 है। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स मैं यूज कर रही हूँ और मैंने कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिया है, उसे मैंने सॉल्व किया, मतलब काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की है। ठीक है, और उसके बाद मैं देखना चाह रही हूँ कि अब तक मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन सी है। एक तो ये तरीका ये है ना कि मैं वर्क स्पेस में देख लूँ, अगर वर्क स्पेस में भी मेरे पास बहुत ज्यादा सारे वेरिएबल्स होंगे तो मैं सारे वेरिएबल्स को देखना चाह रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी कि कमांड विंडो में हम टाइप करते हैं हू। ठीक है, डब्ल्यू एच यू। ठीक है, इसे जब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए वो बता देगा हमें कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो ये हैं, कौन सा एक एक्स वाई सी है। ठीक है, ये वो वाले वेरिएबल्स सारे शो कर देगा जो हमारे पास वर्क स्पेस में मौजूद होंगे। ये आंस वेरिएबल जो है ये हमने ये जो अभी हमने सॉल्व किया था उसका आंसर हमारे पास 17 आया। ठीक है, ये वो वाला वेरिएबल है हमारे पास, और उसके बाद एक्स वाई सी ये अभी हमने जो है ये असाइन किए। ओके, तो ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। और अगर हम इनके एट्रीब्यूट्स भी देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल्स किस टाइप के हैं और इसके सारी बाइट्स कितने हैं और ये वो सारा कुछ, तो वो हम उसके लिए टाइप करेंगे हूज। ओके, फिर हम एंटर करेंगे तो ये देखिए सारे वेरिएबल्स के नेम आ गया, उनका साइज आ गया, बाइट्स आ गए, ठीक है, क्लास आ गई कि डबल ड्राइव्स की। ठीक है, ये सारा कुछ हमें मिल जाता है। जब हम इस सारे को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और मैं वर्कस्पेस को भी क्लियर कर देती हूँ बाय टाइपिंग क्लियर ऑल। ओके, अब अगर मैं कमांड यूज करती हूँ ना हू की, तो फिर ये देखिए मेरे पास कोई वेरिएबल वर्कस्पेस में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं यूज करती हूँ तो फिर भी मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है। ओके, अच्छा, अब तक जितने भी हमने वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन किया वो हमने वेरिएबल्स जो है जस्ट सिंगल नेम लिया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पूरी अपने वेरिएबल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेटरी वे में डिफाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरिया फाइंड करना चाह रही हूँ एक सर्कल का, उसके हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर आर इज अ रेडियस, तो यहाँ पे मैं रेडियस को पूरा एक स्ट्रिंग के तौर पे भी इसे पास कर सकती हूँ, उसे डिक्लेयर कर सकती हूँ एज अ वेरिएबल। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 5। ओके, रेडियस मेरे पास 5 है एंड एरिया इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई जो हमारे पास है ये बिल्ट इन फंक्शन है मैथ है, इसलिए हमें इसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट पाई यूज करेंगे, ठीक है। पाई इंटू आर स्क्वायर, अब आर जो है मेरे पास यहाँ पे उसे मैंने रेडियस पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पूरा रेडियस लिखूंगी, रेडियस और स्क्वायर, स्क्वायर के लिए मैं ये पावर टू करती हूँ, ठीक है। एंटर किया थे देखिए उसने मुझे एरिया दी, ठीक है। अब अगर मैं चेक करती हूँ कि जी मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल है, मैंने हु कमांड यूज की, तो देखिए और वेरिएबल्स आर एरिया और रेडियस, यहाँ पे एरिया और रेडियस दो वेरिएबल्स है मेरे पास, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इनके एट्रीब्यूट्स देखना चाह रही हूँ तो मैं हूज टाइप करूंगी एंड देन एंटर किया था, देखिए एरिया साइज और उनकी बायस क्लास जो है ये शो हो चुकी है। और अगर आपके पास आपने कुछ ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, तो आप उन वेरिएबल्स को एज अ सिम्बोलिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया। जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है, वेक्टर्स को हम कैसे करते हैं एक बारे में क्लियर कर देती हूँ। वेक्टर्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उन्हें कैसे हम उन पे डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर डिक्लेयर कर रही हूँ बाय वेरिएबल ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू ब्रैकेट वेरिएबल स्केल ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं इसकी जो एंट्रीज है उसे या मैं कॉमा से सेपरेट करूंगी, ठीक है, और या फिर अभी हम करके देखते हैं। अच्छा जी, एक ये वे है या मतलब उनकी एंट्रीज को हम कोमा से सेपरेट करें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इनकी एंट्रीज को हम स्पेस के थ्रू सेपरेट करें, ठीक है। ये हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। अभी देखिए उसने एरर दे दिया क्योंकि हमने बी के बाद इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया, क्योंकि हम बी को एज अ वेरिएबल ले रहे थे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिटिंग नहीं होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे जो कीबोर्ड में अप एरो की होती है ना, ठीक है, उसे हम प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास कोई चीज अगेन आ जाएगी, अब हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बी के बाद हमने यूज करना है इक्वल टू का साइन एंड देन फिर हमने एंटर किया तो ये देखिए, ठीक है, आप वेक्टर्स को इस तरह से असाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास शो वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आप कॉलम वेक्टर को भी कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे कि जितनी भी एंट्रीज है ना, मतलब जिनको आप एज अ कॉलम लेके जाना चाह रही हैं, एज कॉलम वेक्टर आप बनाना चाह रही है, रो चेंज करना चाह रही है, इसके लिए आप सेमी कॉलम यूज करेंगे, ठीक है, टू थ्री सेमी कॉलम एंड देन फोर और ब्रैकेट वन, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास टू थ्री फोर जो है एक कॉलम वेक्टर बन गया, मतलब अगर आपने उनकी जो है रो चेंज करनी है देन वी विल यूज सेमी कॉलम, ओके। इसी तरह से देख ले अगर हम डी वेरिएबल जो है डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम डिफरेंट रोज लेते हैं जी टू और थ्री, ये एक रो हो गई, ठीक है। अब मैं सेकंड रो पे जाना चाह रही हूँ तो मैंने ये सेमी कॉलम यूज किया, उसके मैंने किया फोर फाइव, देन अगेन मैं एक नई रो पे जाना चाह रही हूँ तो फिर सिक्स सेवन, सिक्स स्पेस देंगे आप या फिर आप कॉमा यूज करेंगे एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एंटर किया फिर ये देखिए ये मेरे पास एक थ्री बाय टू बाय मैट्रिक्स आ गया, या इसे वेक्टर बोलेंगे। अच्छा जी ये देखिए ये है, मतलब हम इस पे डिफरेंट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास डी वेरिएबल डी मैट्रिक्स ही है जिसमें हम मैट्रिक्स के सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब हम दो वेक्टर्स लेके जिनका ऑर्डर सेम होगा उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरह से डिफरेंट कंडीशंस जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ट्रांसपोज लेना चाह रही हूँ ना तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोज ट्रांसपोज मतलब पूरा ट्रांसपोज लिख के ब्रैकेट यूज करूंगी एंड देन दैट वेरिएबल जिसका मैं ट्रांसपोज लेना चाह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोज का टी है वो आपने स्मॉल ही रखना है, ठीक है। ट्रांसपोज डी जब करके एंटर किया फिर देखिए जिसका ट्रांसपोज मिल गया। ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज जो है वो रोज को कॉलम में चेंज कर देता है और कॉलम्स को रोज में, ये देखिए टू थ्री मेरे पास एक रो थी और यहाँ पे ये टू थ्री जो है एक कॉलम बन चुका है, इसी तरह से फोर फाइव कॉलम बन चुका है और सिक्स सेवन जो है ये भी कॉलम बन चुका है। जो मैट्रिक्स हमारे पास थ्री बाय टू था वो हमारे पास अब टू बाय थ्री का मैट्रिक्स हो चुका है। अच्छा जी लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि वेक्टर वेक्टर्स में से हम किसी भी एक एलिमेंट को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक रो को भी कॉल कर सकते हैं, कॉलम को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है लास्ट लेक्चर लास्ट में देखिएगा, ओके। अब हम बात करते हैं कि अभी तक तो हमने वेक्टर्स डिफाइन किए, वो हमने खुद डिफाइन किए, ठीक है, उन्हें एलिमेंट्स दिए से पहले हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अब हम चाह रहे हैं हमारे पास जो है एंट्रीज जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वन टू टेन एंट्रीज लेना चाह रही हूँ और मैं हर एंट्री को टाइप नहीं करना चाह रही, मैं बस ये चाह रही हूँ कि मैं बस ये लिखूं दैट ए इक्वल्स टू वन टू टेन, ओके। मैं चाह रही हूँ कि वन टू टेन एलिमेंट्स जो है ना वो शो हो जाए और मुझे हर एंट्री टाइप ना करनी पड़े, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, वन देन कॉलम देन टेन, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया तो ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर जो है जनरेट कर दिया है मैटलैब ने, दैट इज फ्रॉम वन टू टेन। इसी तरह से हम वन टू ट्वेंटी ले सकते हैं, वन टू हंड्रेड ले सकते हैं,
और यहाँ पे देखिए मैथ ऐप का बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट है ना वो वन का है, मतलब देखिए वन के बाद टू आ रहा है, टू के बाद थ्री आ रहा है, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस इंक्रीमेंट को भी चेंज करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि मैं वन से स्टार्ट करूं और हमारे पास जो इंक्रीमेंट है ना वो 0.5 का है, चलिए 0.5 को रहने दें, हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 1 के बाद 2 नंबर्स ऐड हो, देन एलिमेंट आए, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि 10 तक एलिमेंट्स आए। ये देखिए यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो गया, 1 था, 1 में 2 ऐड हुए 3 आ गया, 3 में 2 ऐड हुए 5 हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास आ गया। इस तरह से हम ओड नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, देन इवन नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पे हमने 2 लिया, अब हम पॉइंट वाली वैल्यू को लेके देख लेते हैं, उसका इंक्रीमेंट करते हैं, दैट इज सी इक्वल्स टू फ्रॉम 1, यहाँ पे ब्रैकेट हमने यूज नहीं करनी, 1 और इंक्रीमेंट मैं कर रही हूँ 0.5 का, ओके। देन फिर मैंने कॉलन यूज किया और मैं चाह रही हूँ 5 तक जस्ट वैल्यू साइड, ये देखिए ये 0.5 का इंक्रीमेंट हो गया है और हमारे पास जो है वैल्यूज आ चुकी है फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। इस तरह से हम वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं। जब हम इसे क्लियर कर लेते हैं, ओके, अब मैंने एक नया जो है वो वेक्टर लिया है, दैट इज ए इक्वल्स टू 1 to 5, ओके, ये हमारे पास जनरेट हो गया एक वेक्टर। अब मैं चाह रही हूँ इसमें एक नया वेक्टर में ऐड करूँ, ठीक है, दैट इज बी। चलिए बी वेक्टर हमने डिक्लेयर किया है, बी इक्वल्स टू, अच्छा हम यहाँ पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये पहले हमने रो वेक्टर लिया है, तो अब भी हम रो वेक्टर ही जनरेट करेंगे, ठीक है। इसे हम खुद से भी जनरेट कर सकते हैं और चलिए खुद से ही कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 3, सेकंड है 5, 7, 9 and 0, ठीक है। चलिए ये दो वेक्टर्स हमारे पास जनरेट हो गए जिनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सिंपल ए प्लस बी करेंगे, तो हमारे पास ये ऐड हो गया, ठीक है। इसने कैसे ऐड किया है कि हर एंट्री को उसमें ऐड करें, देखिए 1, 3 में ऐड हो गया, 2, 5 में, 7, 3, 4, 9 and 5, 0 में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास इसका एडिशन आ गया। अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं इसी तरह से ए माइनस बी कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन आ गई। अब इसी तरह से हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट की रोज एंड सेकंड की कॉलम जो है वो इक्वल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर हम सिंपल यहाँ पे करते हैं ना ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये देखिए हमारे पास एरर दे देता है, ठीक है। उसने एरर क्यों दिया है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ए हम डॉट यूज करेंगे, ठीक है, ए डॉट मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये देखिए उसने हर एंट्री के साथ एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिवीजन करें ए और बी की, तो फिर भी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो उसके लिए भी हम डॉट यूज करेंगे, ए डॉट एंड देन स्लैश एंड बी, एंटर किया तो उसने हर वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास लास्ट वैल्यू 0 थी, ठीक है, और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी उसने शो कर दिया। इसी तरह से हम बिल्ट इन फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, दैट इज की हम एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, इसकी जैसे हम एक्सपोनेंट लिखेंगे ईएक्सपी और ब्रैकेट में हम वो वाली वेरिएबल लिख देंगे, या हम वेक्टर का वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल जिस भी फॉर्म में है हम जिस वेरिएबल का नेम लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट 1, एंटर किया, देखिए इसमें हर वैल्यू को जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फाइंड कर दिया, ठीक है। इसमें हमें डॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम डॉट यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लॉग भी फाइंड कर सकते हैं, लॉग इसका बिल्डिंग फंक्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लॉग और फिर वेरिएबल का नेम, एंटर किया, उसने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का हमारे पास लॉग दे दिया, ठीक है हमें। और फिर हम इसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, दैट इज हम साइन फाइंड कर सकते हैं, कॉस फाइंड कर सकते हैं। साइन ए जब हमने किया, हमने साइन ए करके एंटर किया, तो उसने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का साइन फंक्शन जो हमें फाइंड करके दे दिया, ठीक है। इसलिए हम इसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स है, ठीक है, वो भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जस्ट उस फंक्शन के स्टार्ट में ए लिख देना है, ठीक है, ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेंजेंट इनवर्स फाइंड करना चाह रहे, तो मैंने लिखा ए टेंजेंट और फिर ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नेम एंड देन एंटर। तो ये देखिए उसने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का इनवर्स टेंजेंट भी हमें फाइंड करके दे दिए। इसी तरह से हम कॉस फाइंड कर सकते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब हम इसे क्लियर कर लेते हैं, अच्छा इस तरह होता है कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर में नेगेटिव वैल्यूज मौजूद है और अगर हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है मैटलैब में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रे है जिसमें हमारे पास है -2,
एंड देन 4 एंड देन -1, ठीक है, ये एंट्रीज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कमांड होती है ABS, एब्सोल्यूट से, ठीक है, ABS की शॉर्ट फॉर्म हमने ली है, और ब्रैकेट में हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे अरे का, और फिर हमने ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, देखिए हमारे पास उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास किसी अरे में आयोटा मौजूद है, ठीक है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनके भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अरे है वाई, इसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, वाई इक्वल टू हमारे पास अरे है जिसमें हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज मौजूद है, दैट इज 3 प्लस 2 इंटू आयोटा आई, ठीक है, एंड देन सेकेंड एलिमेंट इज 0 प्लस आई, ओके, देन थर्ड एलिमेंट इज 4 माइनस 2 इंटू आई। ये मैंने कुछ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, ठीक है। ओके, अब हम अगर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके लिए भी हम जस्ट वही कमांड यूज करेंगे ABS, और फिर ब्रैकेट में हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, एंड देन एंटर किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इस मैटलैब ने किया क्या है कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग हर एंट्री की मैग्नीट्यूड फाइंड करके, ठीक है, उसने हमें आंसर दे दिया इसे सॉल्व करके। यही अगर हम इसे बाय हैंड करने बैठे तो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, क्योंकि हमें पहले हर वैल्यू के मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा एंड देन उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अभी हमारे पास जस्ट जो है एक सिंपल अरे थी जिसमें हमारे पास 3 जो है एंट्रीज थी, ये तो हमारे पास था ना सिंपल सा एक मैट्रिक्स था। अगर हमारे पास 10x10 का मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाय हैंड सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन मैटलैब में हम जस्ट एक कमांड यूज करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम जो है लेक्चर्स के साथ साथ देखेंगे, उन्हें हम यूज करना सीखेंगे। और जी, अब हम ये हमने किया है लेक्चर नंबर 3 का हाफ पार्ट कर दिया है हमने, नेक्स्ट हाफ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग जो है इसकी यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, और अगर अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।